हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर बाबा। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिस्ट बॉक्स में आप कैसे कोई भी आइटम प्रोग्रामेटिकली इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। तो चलिए आपको ये लिस्ट बॉक्स का एक अनदर एग्जांपल करके बताते हैं। तो अपना आप वीडियो स्टूडियो आप ओपन कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बॉक्स ले रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स है, ये आप देख रहे हैं, और इस लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे मैंने कुछ जो लिस्ट आइटम है वो ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिल्मों के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने कुछ ऐड कर रखे हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन लूंगा। मैं उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मूवी का नाम लिखूंगा और जब बटन पे क्लिक करूंगा तो वो जाके इसमें ऐड हो जाएंगे, इस लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाएंगे। तो वो कैसे होंगे, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन मुझे ऐड करना है। यहाँ पे कंट्रोल हम ऐड कर लेंगे। तो यहां से लिया हमने एक लेबल, और ये हमने ले लिया एक लेबल, और इस लेबल के बाद अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे और ये रहा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमें एक बटन लेना है यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बटन कंट्रोल। ओके, तो ये हमारे पास एक बटन आ गया। ये जो बटन है, इस बटन का जो टेक्स्ट है, इसे हम कर देते हैं ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो ऐड बटन आप देख रहे हैं, इस बटन पर आपको डबल क्लिक करना है, और जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी मूवी का नाम लिखूं, और मूवी का नाम लिखने के बाद जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं, तो वो जो मूवी का नेम होगा वो इस ड्रॉप डाउन, ये जो लिस्ट बॉक्स है, इस लिस्ट बॉक्स में जाके वो ऐड हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर जो ऐड करने का जो कोड होगा वो ये होगा। तो यहाँ पर जो पहला कोड है, मैंने बोल दिया कि लिस्ट बॉक्स 1.item.add न्यू लिस्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 1.txt। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी आप लिखोगे वो जाके लिस्ट बॉक्स 1 में ऐड हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपके पेज पे रिस्पॉन्स डॉट राइट के थ्रू ये भी राइट कर दूंगा कि क्या आपके लिस्ट बॉक्स में क्या ऐड हुआ है। तो वो हम यहाँ पे इससे हम आपके वेब पेज पे राइट कर देंगे कि हम कौन सा आइटम ऐड किए हैं, और यहाँ पर वो आइटम जाके लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे एक बार रन करता हूँ। तो मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये कुछ फिल्मों के नाम हैं। तो यहाँ पर मैं लीजिए एक मैं कोई फिल्म का नाम लिखता हूँ, तो ये लिखा मैंने जीत। और इसके बाद जैसे मैंने इस पर ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि आइटम एडेड, जीत ऐड हो गया। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप सबसे लास्ट में जब आप आएंगे तब आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये आइटम ऐड हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर एक और बनाते हैं, एक और यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा घातक, और ये एक मूवी है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइटम क्या हो गया, इस लिस्ट बॉक्स में जाके ऐड हो चुका है। तो आप नीचे देखो घातक, ठीक है, तो ये ऐड हो चुका है। इस तरीके से आप बहुत सारी फिल्में यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पर ऐड करना हो, मान लीजिए मैं ऐड करता हूँ Race 3, और ये मैंने ऐड पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल की ये दो बार हो गया, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी आइटम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए इसे, और ये ब्लैंक है, और यहाँ पे मैं इसे ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर एक ब्लैंक ऐड हो गया। तो ये ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ब्लैंक, जब टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो जब आप ऐड पे क्लिक करो तो ये ना हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आप लगा सकते हो, वैलिडेशन कंट्रोल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वैलिडेशन कंट्रोल, कंट्रोल यहां पर है, यहां से आपको लेना है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हमने यहां पे ले लिया है, और डिजाइन व्यू भी चलते हैं, तो ये रहा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। और यहां पर आएंगे तो आपको कई सारी प्रॉपर्टी है, यहां पर आपको जो पहली प्रॉपर्टी है उसे देखना है, उसका नाम है कंट्रोल टू वैलिडेट, ठीक है। यहां पर आएंगे तो आपको किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है, तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करना है, ठीक है। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना हो, एम्प्टी हो, तो इस बटन पे क्लिक करेगा कोई बंदा तो वो वैल्यू ऐड ना हो लिस्ट बॉक्स में, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, और यहां पर आपको एरर मैसेज करके होगा, तो एरर मैसेज में आप यहां पे आप स्टार दे दो, ठीक है। फॉन्ट कलर अगर आपको यहां पे ये देना हो तो इसे हम कर देते हैं रेड, इस तरीके से, ठीक है। और ये सेव कर दिया। अब इसे अब के बार हम अगर रन करेंगे, तो मान लीजिए कि तो ये ब्लैंक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ये मैसेज दे रहा है, ठीक है। या तो आप चाहे यहां पे कोई मैसेज दे सकते हैं कि प्लीज इंटर सम वैल्यू इन टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो अब यहां पर मैं
एक फिल्म का नाम लिखता हूँ और जैसे मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये जाके यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसे ये एम्प्टी है और इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ये नहीं हो रहा है। तो गाइज इस तरीके से आप, ये जो मैंने बताया है आपको तरीका, इससे आप लिस्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, लोगों तक शेयर करो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक अनदर टॉपिक पे, एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।